दूजी गवाही मेरी ये है भी मैं पैसे नू तरसदी सी, मैनू मंजी की थां भी नहीं मिलती सी। इस टाइम प्रभु का मैं धन्यवाद करती हाँ, मेरे को पांच पांच हज़ार, दो दो हज़ार, हज़ार हज़ार मेरे को चौबी घंटे पैसे रहते हैं। मैं कहनी हाँ प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद, पास्टर जी का भी धन्यवाद, सारे भैन भरावों भी धन्यवाद, जय मसीह जी। तो एक समय था जब ये पैसे के लिए तरसते थे, लेकिन अब कितनी दुकानें बनाई आपने? छह दुकानें। हाँ, छह दुकान बना ली, मैं एक बात में रखूँ ना, कोठी बना ली, छह दुकान बना लिया, छह दिया छह दुकान किराए ते है। पहला पांच दुकान लगिया सी किराए ते, ते मेरे बंदा बैठा कहना ना, कहना प्रभु मैं तेनू ते होना है, ते मैं सच्चे मन ना मानता है, मेरी दुकान एक खाली पई आ, उस ते लिया तू गायक। उठ के नहाने लगे, उदू बार आवाज लाती के पाजी बाहर आ जा, तेरी दुकान किराए ते लगी। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद मानी हाँ। छे दुकाने अपनी, छे दुकाने हालेलुया हालेलुया। और कोठी बनाई? हाँ जी, कोठी बना ली, कोठी बना ली है, और छे दुकाने प्रभु ने दी है। किथे मैनू मंजी दी थां नहीं मिलदी सी, ते जमीन भी ना होगी, जिथे मंजी दी थां नहीं मिलदी थी, रोटी नहीं मिलदी सी, बाली गल की पास्टर जी, रोटी भी नहीं मिलदी सी मैनू। हां, तो इतनी इतने हालात इनके थे, रोटी भी नहीं मिलती थी, एक चारपाई जितनी भी जगह नहीं थी, नहीं मिलती थी भाई जी। आज कोठी बना ली, जब से चर्च में आने लगे चमत्कार चर्च में हमारे पास, और साथ ही में छह दुकानें बना ली हैं, छह की छह दुकानें जो हैं वो किराए पर चढ़, हां किराए पे लगी जी, किराए पे लगी हैं। हालेलुया। मैं तो यह कहनी हाँ भी जेड़ी मेरी सुनी है ना प्रभु ने, मेरी दुश्मन की भी सुने, सब की सुने, मेरे तरह सब नु बतावे अगे। तो मैं आपको थोड़ा बता दूं, इनके जो पति थे वो इतने बड़े तांत्रिक कहूँ तो ठीक नहीं है, स्याना कहूँ या बाबा कहूँ, इतने बड़े बाबा, इतने बड़े वो स्याने थे, और कोई स्याना नहीं छड्डा वाइटर जी, उस उनके जिथे भी जाते सी उथे खेलन लग जाते सी। हाँ, मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करनी हां। उनके क्या था, पौन आती थी उनके ऊपर, पौन आती थी, पौन आती सी, कितना देर पौन रही, ओ सारा दिन ही पास्टर जी लगी रहंदी सी, सारा दिन लगी रहंदी, नहीं कितने साल, ओनु हो गए 20 साल हो गए सी जी, 20 साल तो ओनु पौन आंदी सी जी, सरदार है सरदार जी नु पौन आंदी सी जी, और ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਾਂਜੀ, ਜਬ ਕਭੀ ਉਹ ਤਾਂਤਰਿਕ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਕੇ ਪਾਸ, ਕਮਲੇ ਕੇ ਪਾਸ ਜਾਤੇ ਥੇ, ਤੋ ਉਹ ਕੀ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਉਸਕੀ ਪੌਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਤਾਂਤਰਿਕ ਹੁੰਦਾ ਥਾ, ਇਸਕੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਉੱਠ ਕਰ ਕਹਿ ਦੇਤਾ ਥਾ, ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸਕੋ ਪੌਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤਾ। ਉਹ ਕਹਤੇ ਭਾਂ ਜੀ ਇਸਕੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੋਈ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਉਹ ਫਿਰ ਖੇਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਖੇਲ ਖੇਲਦੇ ਥੇ ਪੌਣ ਬੰਦ, ਔਰ ਫਿਰ ਗਾਉਂ ਕੇ ਲੋਕ ਆਸ ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਕਿਆ ਥੇ, ਉਸਕੇ ਹਾਥ ਫਿਰਵਾਤੇ ਥੇ, ਔਰ ਹਾਥ ਵੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾ, ਵੋ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਤਾ ਥਾ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਇਤਨਾ ਦੁਖੀ ਥਾ ਕਿ ਪੌਣ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਥੀ, ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਲਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਮੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਤਾ ਕਿਸ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਥੀ, ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 24 ਘੰਟੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਸਾਧ ਬਣ ਜੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜੂੰਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੀ, ਨਹਿਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਜਦੋਂ ਨੇੜੇ ਜਾ ਵੜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਛੱਡਿਆ ਖੇਤ 'ਚ, ਚਾਦਰ ਦਾਤੀ ਛੱਡੀ, ਤੇ ਨਹਿਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬੱਚਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਦਾ ਸਭ ਦੀ ਸੁਣੀ। तो इतना बड़ा मतलब लोग बाबा भी समझते थे, हाथ फरवाते थे, इससे हाथ रखवाते थे, और सब कुछ था, लेकिन खुद की पौन बंद नहीं हो पा रही थी, हर वक्त सिर मारते रहना, सरदार है और बाल खिंडे हुए होते और बुरा हाल था, इन्होंने घर में जगह बना रखी थी किसी की, मैं बताना चाहता किसकी थी, और फिर हम लोग जब गए, मैं आपको बताऊं, वो जगह वहां से उखाड़ कर फेंक दी, ठीक है, उसके बाद पौन नहीं आई,
जो बड़े बड़े तांत्रिक जो बड़े बड़े बाबे उसकी पौन बंद नहीं कर सके और खुद गद्दी से वो उठ जाते थे, कहते थे नहीं जो तुझ में है वो हमसे बड़ा है, ऐसे कहते। और प्रभु यीशु मसीह ने वो पौन बंद कर दी और प्रभु यीशु मसीह ने उसे चंगा कर दिया। फिर घर का हालात बदले, कोठी बनाई, दुकानें शे बनाई, किराए पे हो गए, आज बल्ले बल्ले है, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं। लोग कहते हैं चर्च में जाने से धर्म बदलता है, धर्म बदलने से क्या बन जाता है, फिर चर्च वाले पैसे देते हैं और फिर ये कोठी बनाते हैं, फिर ये दुकानें बनाते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। ये प्रभु यीशु मसीह की क्या है? आशीष है। ये प्रभु यीशु मसीह की आशीष है कि परमेश्वर इतना बड़ा कुछ कर देते हैं, कहां से कहां। एक चारपाई के लिए भी वो जगह इन्हें नहीं मिलती थी, रोटी के लिए भी परेशान थे, पैसे इनके पास नहीं रहते थे, और आज स्वर्ग इनके लिए खुला हुआ है। इनके पाप क्षमा हुए, इनका मेल परमेश्वर के साथ हुआ, और अब दोनों के नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं। दोनों परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं।